हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट एवरीवन इज फाइन एट योर होम। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर 7 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 10th। लेसन का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। देखिए, हमारे राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था हो, जो हमारे यहाँ पर इनकम के सोर्सेज हैं, वो किस तरह से किन किन साधनों के द्वारा परिपूर्ण होते हैं, वो हमने पीछे पढ़ा। रेल मार्ग द्वारा, सड़क मार्ग द्वारा और जल मार्ग द्वारा। आज जल मार्ग में से ही एक टॉपिक निकलता है, पतन क्या है। आज हम पतन के बारे में अध्ययन करेंगे कि किसे कहते हैं। देखिए, पतन बंदरगाहों का। अब बंदरगाहें कौन सी? जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं, और पतन उनको कहते हैं जहां पर वो समुद्री जहाज रुके, उन पे सामान चढ़ाया और उतारा जाता है। अर्थात बंदरगाह का वह भाग जहां समुद्री जहाजों पर सामान को लादा जाता है और सामान की ढुलाई होती है, सामान को उतारा जाता है, वो क्या कहलाता है? पतन। अब ये पतन कई प्रकार के होते हैं। कुछ पतन ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से खुद सामने आए, जिन्हें हम कहते हैं कृत्रिम, या जिनको हम कहते हैं प्राकृतिक पतन, जो जिन्हें बनाने नहीं पड़े, समुद्रों के साथ साथ अपने आप उनका पतन के रूप में उभर कर आना हुआ। उसके बाद कृत्रिम पतन जो बनाए गए। उसके बाद ज्वारीय पतन, जो समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं उन क्षेत्रों में बनते हैं। और उसके बाद वायु मार्ग पतन। तो इस तरह से चार प्रकार के पतन हैं, एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले लेते हैं प्राकृतिक पतन। प्राकृतिक पतन का सबसे महत्वपूर्ण और पुराना पतन है मुंबई में, जो 50% से ज्यादा का व्यापार जहां पर होता है, 60-70% जो व्यापार होता है वो वहां से होता है, जो खुले विस्तृत और सुचारू रूप से होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मार्मा गोवा, जो कि गोवा में स्थित है। और मार्मा गोवा, आप भूल जाओ तो पीछे से वर्ड उठा लेना, ये गोवा में स्थित है और 50% के लगभग जो भी देश का व्यापार होता है वो यहीं से होता है, ठीक है। उसके बाद न्यू मैंगलोर, न्यू मैंग, देखो एक था मुंबई में और न्यू मैंगलोर है कर्नाटक में। ये कुदरेमु जो खाने हैं लोहे की, वहां से जितना भी लोहा निकलता है उसका निर्यात इसी पतन के द्वारा होता है, क्योंकि ये आसपास ही है, ठीक है। उसके बाद तुती कोरल, ये तटीय क्षेत्रों से, समुद्र के आसपास जितने भी तटीय क्षेत्र होंगे वहां से जो व्यापार होता है, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, वहां पर होने वाला जो भी व्यापार है ये सब तुती कोरल समुद्री पतन के मार्ग द्वारा होता है। ये तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, प्राकृतिक पतन में मैंने आपको चार बताए हैं, कौन कौन से? मुंबई पतन, मार्मा गोवा पतन, न्यू मैंगलोर पतन और तुती कोरल पतन। ये चारों के चारों प्राकृतिक पतन है। अगर आपसे प्राकृतिक पतन के एग्जाम्पल पूछे तो आपको ये चारों देने और मैप में भी फिल करने, क्योंकि मैप में ये पार्ट आएगा आपका, ठीक है। पूछा जा सकता है कि पतन बताइए, आपको एरो बनाकर दी जा सकती है, आपको ये चारों पतन करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं कृत्रिम पतन पर। मुंबई के बाद, मुंबई पहले स्थान पर, हमने प्राकृतिक पतन बताया। उसके बाद चेन्नई है दूसरा नंबर पर आने वाला कृत्रिम पतन है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और दूसरे नंबर पर व्यापारिक जहाज, जो भी व्यापारिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो सभी इस पतन के द्वारा पॉसिबल बनती हैं, ठीक है। उसके बाद ज्वारीय पतन, जो कि कलकत्ता में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल है, वो ऐसा क्षेत्र है समुद्र के, अरब सागर के, सॉरी बंगाल के खाड़ी के आसपास, वहाँ ज्वार भाटा निरंतर बनते रहते हैं, वहाँ पर कलकत्ता है, कांडला है, ठीक है। ये दोनों पतन ज्वारीय पतन के उदाहरण है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से जितना भी आयात निर्यात होता है वो सब कांडला पतन के द्वारा या कलकत्ता पतन के द्वारा होता है। ठीक है, आपको मैप में ये दोनों भी भरने हैं और कृत्रिम पतन भी भरना है चेन्नई का, सारे पतन आपको देखने हैं। उसके बाद हम आते हैं हवाई पतन पर, वायु पतन जो होते हैं, जहां पर वायु मार्ग, मैंने आपको बताया कि जहां पर जहाजें आकर रुकती हैं और सामान की ढुलाई होती है। देखिए अधिकतर व्यापार हमारे देश का करीबन 90-95% जो बिजनेस है वो समुद्री जहाजों के द्वारा होता है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर वायु मार्गों के द्वारा भी हम सामान की हल्का फुल्का जो सामान होता है उसको इधर से उधर पहुंचाते हैं। तो वहां पर छत्रपति शिवाजी है और नेदुम्बचेरी, ये दो पतन वहां के अगर एग्जाम्पल पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन उठता है कि ये पतन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी, क्या महत्व है? तो देखिए पतनों का महत्व ये है कि 1500 से जितना भी ज्यादा व्यापार है, 1500 से ज्यादा जो भी व्यापार है हमारे देश के, वो इन समुद्री पतन के द्वारा ही संभव है। 70% व्यापार हमारा समुद्री जहाजों के द्वारा इन पतनों के माध्यम से परिपूर्ण होता है, क्योंकि जितना भी भारी सामान होगा वो ढलाई उदाई का जितना भी सामान होता है वो समुद्री मार्ग के द्वारा इन समुद्री पतनों के द्वारा ही संभव होता है। वैसे धीमा साधन है लेकिन स्वच्छ, पर्यावरण रहित, प्रदूषण मुक्त और बिल्कुल सस्ता सुलभ व्यापार का ये साधन है। ठीक है, उसके बाद विदेशी मुद्रा का अर्जन होना भी हमें इन पतनों के द्वारा संभव है, क्योंकि हमारा जो व्यापार है वो एक से दूसरे देश तक जाता है। समुद्री मार्ग से व्यापार एक देश से संभव नहीं है, कई देशों के साथ हम जुड़े हुए हैं, कई देशों से हमारा सामान आता है, निर्यात किया जाता है, तो वहाँ की जो पैसा है, मुद्रा है, किसी भी रूप में डॉलर है या सिक्के के रूप में, स्पेन रूप में, जिसमें भी है, वो हमारे एक से दूसरे स्थानों पर पहुँचता है, जिससे हमारे खजाने में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। जैसे कि हमारे यहाँ 70-75 रुपये का एक डॉलर बनता है, तो आप देखिए कि हमें उससे फायदा ही हो रहा है और एक विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का ज्ञान होता है। और इसके बाद ये व्यापार का प्रमुख साधन है और साथ ही कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, सामान को ढोने वाले, उतारने वाले, जहाजों को चलाने वाले, वहाँ पर दिशा निर्देश करने वाले, कितने ही लोग पैकिंग करने वाले, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ अकाउंट बनाने वाले, तो कितने लोगों को वहाँ पर काम, रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। जितना ज़्यादा व्यापार होगा, जितना ज़्यादा देश का विकास होगा, उतने ही लोगों को नौकरियां प्राप्त हो। ठीक है, आज हमने टॉपिक पढ़ा पतन के बारे में, सारे पतन आपको मैप में भरने हैं, याद करने हैं, चाहे आप एक दिन में ना कर सको तो दो कर लो, एक दिन समुद्री पतन और ये सॉरी प्राकृतिक पतन और कृत्रिम पतन भर लो, एक दिन ज्वारीय पतन और ये वायु पतन भर लो। ठीक है, एक मैप में दो और एक मैप में दो भरने, बिल्कुल अच्छे से काम करना है, बिल्कुल फेयरली करना है। बुक आपके पास है, आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में भी और एवरग्रीन में भी दोनों जगह पूरी डिटेल में दिए गए हैं, आप वहाँ से ले लीजिए। ठीक है, आपको याद भी करने हैं, भरने भी, और जो भी क्वेश्चन समझाए जाते हैं रिवाइज किया करो, उनको लिख कर देखा करो, तब याद होंगे, ऐसे नहीं होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।